केंद्र सरकार द्वारा 3 दिन पूर्व आम बजट पेश हुआ। बजट को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज भाजपा कार्यालय प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया है, जो कि आम जनता का बजट है और ये बजट देश के हित में है। केंद्र सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें से सड़क इंदौर से अकोला रेलवे के सुंदरीकरण के लिए करोड़ों रुपए दिए गए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद। ये बजट किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है और आदिवासी भाइयों के लिए है और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। गरीब ये बजट जो है आम जनता का बजट है, गरीबों का बजट है। 82 करोड़ जनता को निःशुल्क अनाज लगातार मिलता रहे, इसलिए इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है।